चलो अब हम देखते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, ये आप स्कूल सेक्शन से आप पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है। चलो हम पहले बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, एंड ये 46 क्रोमोसोम ऐसे आपके पेयर में होते हैं, फर्स्ट क्रोमोसोम, ये फर्स्ट पेयर, फर्स्ट ये सेकंड, फर्स्ट सेकंड का पेयर होगा, फिर थर्ड फोर्थ, ऐसे आपके पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ये पेयर्स में क्रोमोसोम होंगे आपके, ओके टोटल पांच पेयर, ऐसे टोटल होंगे आपके 22 पेयर्स प्लस एक्स वाई और एक्स एक्स क्रोमोसोम, सॉरी एक एक्स एक्स क्रोमोसोम, मेल है तो एक्स वाई क्रोमोसोम रहेगा, फीमेल है तो एक्स एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। इस तो इससे डिटरमाइन होता है कि मेल है कि फीमेल है। द सेक्स डिटरमाइनिंग मैकेनिज्म इन केस ऑफ ह्यूमन इज एक्स वाई टाइप, आउट ऑफ 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट 22 पेयर आर एग्जैक्टली सेम इन बोथ मेल एंड फीमेल, दीज आर द ऑटोसोम्स। यहाँ पे जो आपके 22 पेयर्स होते हैं वो सबके सब क्या होंगे, सेम होते हैं, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स बोलते हैं। डिफरेंस क्या होता है, फीमेल बॉडी के अंदर एक्स एक्स क्रोमोसोम होगा, मेल बॉडी के अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम होगा। अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन द फीमेल, वेयर एज द प्रेजेंस ऑफ एन एक्स एंड वाई क्रोमोसोम आर डिटरमाइन ऑफ द मेल कैरेक्टरिस्टिक, मतलब अगर एक्स वाई क्रोमोसोम है तो मेल कैरेक्टरिस्टिक आएंगे, अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम है तो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक, मतलब ये डिटर्मिनेशन होता है वो एक्स वाई क्रोमोसोम के प्रेजेंस पे है, अगर एक्स एक्स प्रेजेंट है तो क्या होगा, फीमेल, एक्स वाई प्रेजेंट है तो मेल। ड्यूरिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस, जब स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस अमंग मेल, टू टाइप ऑफ गैमेट आर प्रोड्यूस, मतलब क्या होगा, एक एक्स टाइप का गैमेट होगा, दूसरा वाई टाइप का गैमेट होगा, मतलब प्लस 22, ये क्या है आपका गैमेट, दो टाइप के गैमेट का फॉर्मेशन हो, एंड ये कौन से फॉर्म में है, हैप्लॉइड फॉर्म में है, ये क्या हो गया, गैमेट कौन से फॉर्म में होता है आपका, हैप्लॉइड। अभी हम आपको इसके पहले जो टॉपिक था डायप्लॉइड एंड हैप्लॉइड एंड डायप्लॉइड सेक्स क्रोमोसोम, वो चीज़ें मैंने थोड़ा सा वहाँ पे स्टॉप की थी, आगे हम लोग कंटिन्यू, फिर मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कैसे होता है। 50% ऑफ द टोटल स्पर्म प्रोड्यूस कैरी द एक्स क्रोमोसोम, कौन कैरी करता है, एक्स क्रोमोसोम कैरी करता है, एंड रेस्ट 50% ऑफ वाई क्रोमोसोम बिसाइड द ऑटोसोम्स। फीमेल हाउएवर प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ ओवम विथ एन एक्स क्रोमोसोम, देयर इज एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम विद द स्पर्म कैरी आइदर एक्स और वाई, मतलब इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है वो एक्स के साथ फर्टिलाइज होगा और वाई के साथ फर्टिलाइज। अगर आप देखने जाओगे तो फीमेल बॉडी में दो एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में दो एक्स क्रोमोसोम, बट यहाँ पे एक ही गैमेट का फॉर्मेशन होता है एक्स, दूसरा जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो इनएक्टिव हो जाता है, क्या हो जाता है, इनएक्टिव, एंड इनएक्टिव होके वो क्या करता है, बार बॉडी का फॉर्मेशन हो करता है, किसका, बार बॉडी का, मतलब फीमेल की बॉडी में न्यूक्लियस में बार बॉडी प्रेजेंट होगा। अगर आपको, अगर किसी का सैंपल अगर मुझे दे दो तो अगर मुझे फाइंड आउट करना रहेगा तो ये फीमेल है कि मेल का सैंपल है, ब्लड सैंपल है, तो मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, एक बार बॉडी फीमेल बॉडी के अंदर क्या होगा, बार बॉडी प्रेजेंट होगा, वो जो एक एक्स है वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, एक्टिव खाली आपका एक ही एक्स होगा, ठीक है। चलो देखते हैं, इन केस ऑफ द ओवम फर्टिलाइज विथ स्पर्म कैरिंग एक्स क्रोमोसोम, अगर एक्स क्रोमोसोम के साथ हुआ तो क्या होगा, द जाइगोट डेवलप इनटू फीमेल, क्योंकि फीमेल के पास तो एक ही क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम है, मेल के पास एक्स वाई है, अगर इसके साथ फर्टिलाइज हुआ तो फीमेल, इसके साथ फर्टिलाइज हुआ तो क्या हुआ, मेल, एंड द फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम विथ वाई क्रोमोसोम कैरिंग स्पर्म रिजल्ट इनटू अ मेल ऑफस्प्रिंग, ठीक है। दस इट इज़ एविडेंट दैट इट इज़ द जेनेटिक मेकअप ऑफ द स्पर्म दैट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, एंड इसके ऊपर क्या होता है, पता चलता है कि जो चाइल्ड है उसका कौन सा सेक्स है, मेल है कि फीमेल है, ठीक है। आगे देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है, इट इज़ ऑल्सो एविडेंट दैट इन ईच प्रेगनेंसी देयर इज ऑलवेज 50%
probability of either a male or female. मतलब pregnancy में क्या होता है कि 50% chance होता है कि male होगा and 50% क्या होता है, probability क्या होती है female की. ठीक है, चलो. It is unfortunate that in our society women are blamed for giving birth to female children and have been ostracized and ill-treated because of this false notion. Okay? मतलब अगर आप देखने जाओगे इंडियन सोसाइटी में फीमेल को, मतलब फीमेल चाइल्ड पैदा हो रही है तो ब्लेम जो है वो किसको दिया जाता है, फीमेल को ही दिया जाता है. एक्चुअली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मेल रिस्पॉन्सिबल होता है बिकॉज वहाँ पे मेल हेट्रोगेमेटी है. हमारे ह्यूमन में क्या है, मेल हेट्रोगेमेटी है, एक्स वाई क्रोमोजोम है, तो मेल रिस्पॉन्सिबल होता है. बट ब्लेम किसको किया जाता है, फीमेल को ब्लेम किया जाता है जो कि रॉन्ग है. ठीक है, एनसीईआरटी का डायग्राम है, आपको दिख रहा है एक्स वाई क्रोमोजोम, एक्स एक्स क्रोमोजोम. ओके, एक्स वाई क्रोमोजोम, एक्स एक्स क्रोमोजोम, जेड जेड, जेड डब्ल्यू क्रोमोजोम. ठीक है, ओके. अभी ये जो क्रोमोजोम प्रेजेंट होता है, क्रोमोजोम अगर आप देखने जाओगे तो आपको दो पेयर में एक्स एक्स क्रोमोजोम, एक्स वाई क्रोमोजोम. ठीक है, अभी क्या होता है कि ये गैमेट का फॉर्मेशन कब होता है, अब आपको समझना है यहाँ पे कि गैमेट का फॉर्मेशन कब होता है, गैमेट का फॉर्मेशन कब होता है. मियोसिस के टाइम पे फॉर्मेशन होगा गैमेट का, मतलब 46 क्रोमोजोम है, 46 है तो 23 पेयर्स में क्रोमोजोम्स आपके प्रेजेंट हैं, 23 पेयर्स हैं, एक पेयर का एक क्रोमोजोम यहाँ पे ये साइड जाएगा, दूसरा दूसरे साइड जाएगा, तो दो गैमेट का फॉर्मेशन हो गया. तो ऐसे गैमेट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है. अगर आप इमेजिन करो कि ये अगर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, तो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो क्या होगा, कहीं पे ज़्यादा और कहीं पे कम होगा, कहीं पे ज़्यादा और कहीं पे कम होगा तो क्या हो जाएगा, उससे डिसऑर्डर हो जाता है, डिजीज हो जाता है. ये जो क्रोमोजोम का डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हम लोग बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन. इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन डिसजंक्शन बोलते हैं. चलो देखते हैं हम लोग. द फेलियर ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम टू सेपरेट प्रॉपरली ड्यूरिंग मियोसिस. मियोसिस के टाइम पे अगर हम देखने जाओगे, ये आपको नॉर्मल प्रोसीजर है. आपके दो क्रोमोजोम है, गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, ये सेपरेट हो गए एंड देन ये आपके क्रोमोजोम सेपरेट हुए एंड देन यहाँ पे आपका गैमेट बन गया. बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डिवीजन हुआ. ठीक है, अब यहाँ से आपको एक यहाँ पे और एक यहाँ पे जाना चाहिए, हो गया प्रॉपरली. बट इसमें क्या हुआ, ये दोनों आपके यहाँ पे आ गए एंड यहाँ पे क्या रह गया, ब्लैंक, जीरो हो गया, कुछ भी नहीं है. मतलब प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है. एंड जब प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, गैमेट में प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, तो क्या होता है, एक गैमेट में आपको कम क्रोमोजोम मिल जाएगा और एक में क्या हो जाएगा, ज़्यादा मिल जाएगा. तो उसके ऊपर भी क्या होता है, डिसऑर्डर होता है. क्या होता है, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर होता है. यहाँ पे मैंने चार एग्जांपल दिए हैं डिसऑर्डर के, वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर बाद में हम लोग यही डिसऑर्डर के बारे में डिटेल्स में देखने वाले. डाउन सिंड्रोम जो होता है उसमें कितने होते हैं, 46 क्रोमोजोम होते हैं विथ 3 मतलब 21 मतलब ये क्या है, ऑटोजोम्स है. 21 पेयर जो 21st पेयर वाला क्रोमोजोम है वहाँ पे दो क्रोमोजोम होने चाहिए, वहाँ पे क्या हो जाता है आपका, 3 क्रोमोजोम हो जाते हैं. कितने हो जाते हैं, 3. मतलब 46 अगर पेयर में अगर देखोगे 23 पेयर्स हैं तो 46 क्रोमोजोम होने चाहिए. बट 21 नंबर पे क्या होता है, एक और क्रोमोजोम है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोम है, तो कितने क्रोमोजोम हो गए, 46. एंड ये टाइप के क्रोमोजोम को हम लोग बोलते हैं ट्राइजोमी. क्या बोलते हैं हम लोग, ट्राइजोमी. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइजोमी, याद रखना आप लोग. ओके, देखते हैं 30, ये देखते हैं ट्रिपल एक्स क्रोमोजोम. ट्रिपल एक्स मतलब आपके ऑटोजोम्स प्रॉपर हैं, 44 क्रोमोजोम, एक्स एक्स क्रोमोजोम होना चाहिए, तो ट्रिपल एक्स है, मतलब एक क्रोमोजोम और बढ़ गया है, उसको हम लोग बोलते हैं 3x क्रोमोजोम. ठीक है, थर्ड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम. इसमें क्या होता है, 47 क्रोमोजोम कॉज बाय 2x क्रोमोजोम एंड 1y क्रोमोजोम. मतलब एक xy क्रोमोजोम है प्लस एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम आ गया, एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम आ गया, मतलब xx y क्रोमोजोम.
47 क्रोमोसोम। उसके बाद आता है आपका टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में यहाँ पे एक एक क्रोमोसोम बढ़ा है, बट यहाँ पे क्या है, एक क्रोमोसोम कम हो गया बिकॉज ऑफ नॉन डिसजंक्शन। ऊपर वाला भी जो हुआ है बिकॉज ऑफ नॉन डिसजंक्शन, क्रोमोसोम को प्रॉपर सेपरेशन नहीं हुआ है, होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन नहीं हुआ है, इसके लिए क्या हुआ, उसका नॉन डिसजंक्शन हो गया। 45 क्रोमोसोम विथ 1x क्रोमोसोम एंड कॉज्ड बाय द अब्सेंस ऑफ 1x और y क्रोमोसोम। फीमेल में अगर आप देखने जाओगे तो XY मेल एंड XX, मतलब ये फर्स्ट पोजीशन तो फिक्स है, सेकंड पोजीशन पे Y आया तो मेल होगा, X आया तो फीमेल होगा, मतलब सेकंड पोजीशन का जो क्रोमोसोम रहता है वो क्या रहता है, अब्सेंट रहेगा, नहीं आएगा बिकॉज ऑफ नॉन डिसजंक्शन। किसकी वजह से, नॉन डिसजंक्शन की वजह से। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये डिसऑर्डर हो जाएगा एंड इसको हम लोग बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, टर्नर सिंड्रोम। चलो अब हम लोगों ने जो पिछले छोड़ दिया था पार्ट, वो पार्ट देखते हैं हम लोग। हैप्लॉइड डाइप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन। हैप्लॉइड मतलब होता है, हैप्लॉइड का मतलब होता है जब आपका क्रोमोसोम पेयर में नहीं होगा, सिंगल होगा, उसको हैप्लॉइड बोलते हैं। डाइप्लॉइड में मतलब होता है जो पेयर में होगा, ठीक है। अब हनी बी में ये होता है कि जब हैप्लॉइड में होगा, मतलब जब गैमेट बनता है तो वो गैमेट जो रहता है आपका हैप्लॉइड फॉर्म में रहता है। तो हनी बी में ऐसा होता है जब हैप्लॉइड फॉर्म में क्रोमोसोम होंगे, आपका क्रोमोसोम रहेगा तो मेल का फॉर्मेशन होता है, डाइप्लॉइड फॉर्म में रहेगा तो फीमेल का फॉर्मेशन होता है। अब इमेजिन करो ये डाइप्लॉइड फीमेल है, बी है, मियोसिस हुआ ए एंड बी का फॉर्मेशन, क्योंकि ये डाइप्लॉइड फॉर्म में है ए एंड बी, एंड ये दोनों एग जो हैं फर्टिलाइज नहीं हुए, दोनों एग क्या हुए, फर्टिलाइज नहीं हुए, तो फर्दर ये क्या होंगे, मेल, एज अ मेल ग्रो होंगे, एज अ मेल ग्रो होंगे, एंड इनकी बॉडी में कितना क्रोमोसोम होगा, एग्जैक्टली फीमेल का हाफ होगा। अगर आप देखने जाओ तो फीमेल के अंदर 32 क्रोमोसोम्स होते हैं एंड ये जब डिवाइड हुआ तो 16, इनकी बॉडी में क्या होगा, 16 क्रोमोसोम। अगेन देखते हैं डाइप्लॉइड फीमेल है, दो गैमेट बना, एग बने, हैप्लॉइड मेल, अभी मेल हैप्लॉइड है, मियोसिस हुआ, स्पर्म बना, यहाँ पे ये 16 है, इसके अंदर 16 क्रोमोसोम थे, स्पर्म बना एंड ये अगर फर्टिलाइज हो गया इसके साथ में, मतलब ये मेल एंड फीमेल फर्टिलाइज हुआ तो फीमेल, ये एग फर्टिलाइज हुआ तो फीमेल, मतलब 16 क्रोमोसोम यहाँ पे हैं एंड 16 क्रोमोसोम यहाँ पे है, 16, तो ये क्या, फीमेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर आप देखने जाओगे लॉजिकल एकदम बेसिक मैनर में अगर देखने जाओगे, ये जो मेल होता है इसका कोई भी फादर नहीं है, ये मेल का कोई भी फादर नहीं है, इसका फॉर्मेशन किससे हुआ है, मदर से हुआ है, इसका फॉर्मेशन किससे हुआ है, मदर से हुआ है। हाँ इसके ग्रैंडफादर हैं बट फादर नहीं है, और इसका सन भी कोई नहीं होगा, समझ में आया, समझा, ओके चलो चलो देखते क्या है। हनी बी, सो हैप्लॉइड डाइप्लॉइड मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, हैप्लोडाइप्लॉइड इज अ सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म इन विच मेल डेवलप फ्रॉम अनफर्टिलाइज एग, किससे होता है, अनफर्टिलाइज एग से, एंड आर हैप्लॉइड, वो क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, एंड फीमेल डेवलप फ्रॉम फर्टिलाइज एग एंड आर डाइप्लॉइड। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी, डाइप्लॉइड एंड हैप्लॉइड, एंड ये अनफर्टिलाइज और फर्टिलाइज, फीमेल क्या होगा, फर्टिलाइज एग होगा, और मेल क्या होगा, अनफर्टिलाइज एग होगा। दिस मोड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन वॉज फर्स्ट डिस्कवर बाय जॉन डेजरॉन अ कैथोलिक प्रिस्ट इन 1845, ठीक है, याद रखना आपको। चलो इन हनी बी सेक्स इज नॉर्मली डिटरमाइंड बाय द फर्टिलाइजेशन और नॉन फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग रेदर देन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। यहाँ पे क्या होता है, डिटरमाइन किससे होता है, फर्टिलाइज एंड अनफर्टिलाइज एग। अगर एग फर्टिलाइज हो गया स्पर्म के साथ तो फीमेल का फॉर्मेशन होगा, अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ एग तो क्या होगा, मेल का फॉर्मेशन होगा।
ठीक है. इन हनी बी द मेल प्रोजेनी नॉर्मली डेवलप फ्रॉम अनफर्टिलिटी, आपके एनसीईआरटी में विच आर हैप्लॉइड एंड हैव जस्ट वन सेट ऑफ क्रोमोजोम, एक ही सेट ऑफ क्रोमोजोम प्रेजेंट होगा. द फर्टिलाइज हनी बी एग विच आर डाइप्लॉइड एंड हैव टू सेट ऑफ क्रोमोजोम्स डिफरेंशिएट इनटू क्वीन एंड वर्कर बी. ठीक है, अभी हमने क्या देखा, सेक्स डिटर्मिनेशन. अभी सेक्स डिटर्मिनेशन में हम लोग ने क्या देखा, उसके टाइप्स देखा है. हम लोग ने क्या देखा है, उसके टाइप्स हमने थ्री डिफरेंट टाइप्स के सेक्स डिटर्मिनेशन देखे हैं. एक एक्स 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 ओ, एक आपका एक्स 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 वाई, दूसरा हम लोग ने क्या देखा है, जेड 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 डब्लू. ये थ्री टाइप के हम लोग ने आप सेक्स डिटर्मिनेशन देखा है. इसमें दो टाइप हैं, एक आपका मेल हेट्रोगेमिटी है, दूसरा आपका फीमेल हेट्रोगेमिटी. जहाँ पे मेल रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्स डिफरेंशिएशन के लिए वो क्या हो गया, आपका मेल हेट्रोगेमिटी हो गया. जहाँ पे फीमेल रिस्पॉन्सिबल है उसको क्या बोलेंगे, फीमेल हेट्रोगेमिटी बोलेंगे. थ्री एग्जांपल्स हम लोग ने देखे थे, बर्ड्स में देखा था हमने, उसके बाद हम लोग ने ह्यूमन देखा, उसके बाद हम लोग ने क्या देखा, हनी भी देखा है. ठीक है, अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो आपका टॉपिक है म्यूटेशन. वो आपका टॉपिक क्या है, म्यूटेशन. अब म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, जेनेटिक्स में म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, म्यूटेशन का मतलब होता है सडन चेंज. अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं वो किससे रिलेटेड है, क्रोमोसोम्स. हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, अभी तक किसकी बात कर रहे हैं, क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं. क्रोमोसोम मतलब क्या होता है, जेनेटिक मटीरियल, जीन. ठीक है, क्रोमोसोम किससे बनता है, जीन से बनता है आपके, मतलब डीएनए का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, जो थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर है, उससे पूरा का पूरा आपका क्रोमोसोम बनता है. पूरा जेनेटिक मटेरियल कॉम्पैक्ट फॉर्म में आपका क्या बनाता है, 46 क्रोमोसोम. अब क्या होता है, म्यूटेशन मतलब सडन चेंज. वो कहीं पे जेनेटिक मटेरियल के बीच में कहीं पे भी चेंजेस आ गए, वो चेंजेस आ गए. अब चेंजेस अगर क्रोमोसोम्स में आ गए या आपके जीन में चेंजेस आ गए तो उनका एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, उनका एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा. एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिसऑर्डर हो जाएगा. तो म्यूटेशन का मतलब होता है सडन चेंज. नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, सडन चेंज. बट म्यूटेशन का मतलब खाली सडन चेंज नहीं होता है. चलो आगे देखते हैं. अब म्यूटेशन होता क्यों है, ये जो म्यूटेशन है ये सबसे मेजर रोल प्ले करता है आपका इवोल्यूशन में, मेजर रोल प्ले करता है इवोल्यूशन में. मेजर रोल जो है आपका म्यूटेशन करता है इवोल्यूशन में, म्यूटेशन एक रोल प्ले करता है. और क्या क्या चीज़ें जो हैं आपके इवोल्यूशन में रोल प्ले करती हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट. क्या होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब रैंडम सैम्पलिंग होता है, मतलब रैंडमली एनिमल्स को चूज कर लिया जाता है. जीन फ्लो, ये सब इवोल्यूशन में के कॉन्सेप्ट है, इवोल्यूशन में ये सब कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है. जीन फ्लो अकर्स ड्यू टू माइग्रेशन, मतलब एक एनिमल है, एक स्पेसिफिक एरिया में ग्रुप ऑफ एनिमल्स रहते हैं, वहाँ से माइग्रेट होकर वो दूसरे एरिया में चले गए, माइग्रेशन, उसकी वजह से भी इवोल्यूशन होता है. नेचुरल सेलेक्शन अकर्स इवो फ्यू जनरेशन, मतलब नेचुरल सिलेक्शन होता है, नेचर ने सेलेक्ट किया कि लाइक वहाँ का एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, कुछ प्रॉब्लम्स आ गए, उसकी वजह से वो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो एनिमल वहाँ सर्वाइव कर पाएगा वही वहाँ रहेगा, बाकी क्या होंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. तो ये चार कॉन्सेप्ट जो हैं वो किस में आते हैं, आपके इवोल्यूशन में आते हैं. तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या था, म्यूटेशन था. नेचुरल सेलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन फ्लो, नेचुरल सेलेक्शन. चलो म्यूटेशन के टाइप्स कितने होते हैं, म्यूटेशन के दो टाइप होते हैं, दो टाइप के म्यूटेशन होते हैं. एक होता है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन और दूसरा होता है इंड्यूस म्यूटेशन. स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, अकर्स विदाउट नोन कॉज ड्यू टू अननोन एजेंट इन द एनवायरनमेंट, मतलब उसका रियल रीज़न नहीं पता होता, उसका रियल रीज़न हमको नहीं पता होता, वो स्पॉन्टेनियस होता है. मतलब चेंजेस क्या होते हैं, वो होते रहते हैं स्पॉन्टेनियसली अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट होते रहते हैं, वो क्या हो गया आपका स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन. इंड्यूस म्यूटेशन क्या होता है, जिसका रीज़न हमको पता है, जिस किसकी वजह से हो रहा है म्यूटेशन वो हमको पता है. ठीक है, रिजल्ट फ्रॉम एक्सपोजर ऑफ ऑर्गेनिज्म टू म्यूटाजेंस, मतलब यहाँ पे क्या होता है रिस्पॉन्सिबल, कुछ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, म्यूटेशन के लिए. एंड वो फैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल पोल्यूटेंट होता है, वैसे म्यूटेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटाजेंस बोलते हैं. एंड वो म्यूटाजेंस के एक्सपोजर की वजह से क्या होता है,
म्यूटेशन होता है। इसमें थ्री डिफरेंट टाइप के होते हैं, फिजिकल होता है, केमिकल होता है एंड बायोलॉजिकल होता है। एंड ये तीनों फैक्टर क्या करते हैं, डीएनए के अंदर चेंजेस कर देते हैं। डीएनए का जो आपका सिक्वेंसिंग होता है, सिक्वेंसिंग के अंदर क्या होता है, चेंजेस हो जाते हैं। एंड चेंजेस होने की वजह से क्या होता है, उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। एंड उसका एक्सप्रेशन अगर चेंज हो गया तो फिर देन आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा, डिसऑर्डर आ जाएंगे, हो जाएंगे। चलो देख लेते थोड़ा सा। इंड्यूस म्यूटेशन रिजल्ट फ्रॉम एक्सपोजर ऑफ ऑर्गेनिज्म टू म्यूटाजेंस, फिजिकल एंड केमिकल एजेंट। यहाँ पे एक और एजेंट है आपका, वो है आपका बायोलॉजिकल। वो क्या है आपका, बायोलॉजिकल। आगे देखेंगे हम लोग। दैट कॉजेज चेंजेस इन डीएनए सच एज आयोनाइजिंग इरेडिएशन, अल्ट्रावायलेट लाइट और सर्टेन केमिकल्स। ठीक है, ओके। टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन के हमने अभी देखा टाइप्स कौन से होते हैं, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, इंड्यूस म्यूटेशन। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन में क्या है, मिस्टेक्स हैपन स्पॉन्टेनियसली, तो स्पॉन्टेनियसली हो जाता है। जैसे डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, वहाँ पे कुछ चेंजेस हो गए, डीएनए रिपेयर हो रहा है, रिपेयर के टाइम पे हो गया, और डीएनए रिकॉम्बिनेशन के टाइम पे, मतलब स्पॉन्टेनियस। उसके लिए कोई नोन रीज़न नहीं है कि इसकी वजह से ही हुआ है, कभी भी हो सकता है, सडन चेंजेस आ सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल नॉन डिसजंक्शन, ये कब होता है, जब क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, गैमेट का फॉर्मेशन हो, उस टाइम पे कुछ फैक्टर की वजह से क्या होता है, क्रोमोसोम साथ में चले जाते हैं। ठीक है, इंड्यूस में म्यूटेशन दैट कॉजेज बाय म्यूटाजेन, ये म्यूटाजेन की वजह से होता है। एग्जाम्पल एक्सपोजर टू म्यूटाजेन, जब म्यूटाजेन का एक्सपोजर होगा तो उसकी वजह से क्या होता है, म्यूटेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे अब आपको थ्री टाइप्स के म्यूटाजेंस देखने को मिलेंगे, एक आपका फिजिकल है, दूसरा आपका केमिकल है, तीसरा आपका बायोलॉजिकल है। यहाँ पे थ्री डिफरेंट टाइप के म्यूटाजेंस आपको देखने को मिलेंगे, कौन कौन से हैं आपके, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। ओके, चलो हम डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पे आपको तीन चीज़ें दिख रही हैं, तीन अलग अलग पार्ट में दिख रहा है, रेडिएशन दिख रहा है, केमिकल्स दिख रहा है, इन्फेक्शियस एजेंट दिख रहा है। तो ये तीनों अगर आप देखने जाओगे तो ऊपर वाला जो रेडिएशन है वो क्या है आपका, फिजिकल म्यूटाजेन है। क्या है आपका, फिजिकल म्यूटाजेन। दूसरा जो है वो आपका क्या है, केमिकल म्यूटाजेन है। तीसरा जो है वो क्या है आपका, बायोलॉजिकल म्यूटाजेन है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे आपका म्यूटेशन, कंटिन्यू करेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।